हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में निवेश व निर्यात को नई दिशाएं देने के लिए विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में हरियाणा राज्य दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि स्थापित किए जाने वाला विदेश सहयोग विभाग हरियाणा में विदेशी निवेशकों व विदेशों में निवेश करने वाले हरियाणा के निवेशकों को प्रत्येक दृष्टि से सहयोग करेगा। विदेश सहयोग विभाग विशेषकर कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने की दिशा में कार्य करेगा और इससे हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। अप्रवासी भारतीयों को भी विदेश सहयोग विभाग सहयोग व सहायता करेगा। मुख्यमंत्री ने 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में हरियाणा मंडप की विषय वस्तु थीम इज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान में हरियाणा राज्य उद्यमियों के लिए अवसरों की धरती बन चुकी है। उन्होंने हरियाणा राज्य दिवस पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किए जाने पर हरियाणा के कला एवं संस्कृति विभाग की प्रशंसा की और विभाग के लिए मौके पर ही 5,00,000 रुपये की स्वीकृति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित कर वर्ष 2024 तक $3 ट्रिलियन से बढ़ाकर $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के समूह देशों में शामिल करना है। इसी दिशा में हरियाणा सरकार का लक्ष्य भी हरियाणा की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक दोगुना कर 5,00,000 करोड़ रुपये तक विकसित करने का है। अच्छे कार्यक्रम करता है, अब यहाँ भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस विभाग के लिए विशेष सेंक्शन 5,00,000 रुपए की हरियाणा सरकार की ओर से दी जाती है ताकि अपने काम को बढ़ाने के लिए ये उसका उपयोग कर सके। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।